अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैरिया अशरफ है। इस कोर्स में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के कोर फीचर्स को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाए। को विंडोज 10 को इंस्टॉल करना या फिर विंडोज 8 और विंडोज 7 से विंडोज 10 पर अपग्रेड करना सिखाएंगे। हम थोड़ा टाइम कंप्यूटर के इंटरफेस और सिस्टम एलिमेंट को देखने में गुजारेंगे, जैसे कि आप फाइल एक्सप्लोरर को यूज करते हुए हार्ड डिस्क पर अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार को यूज करते हुए आप अपनी फाइल्स को एप्लीकेशंस को लॉन्च कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, साथ ही कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल हो जाती हैं। हम जैसे कि वेब ब्राउजर है हमारे पास, यहाँ पर ब्राउजर एज, इसको इस्तेमाल करना देखेंगे। हमारे पास कैलकुलेटर, ईमेल जैसी एप्लीकेशन है, कैलेंडर है जो कि बिल्ट इन है और विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। हम देखेंगे कि हम सेटिंग्स में जाकर अपनी फाइल्स का बैकअप कैसे बना सकते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि हम मल्टीपल यूजर अकाउंट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर आप विंडोज के पुराने यूजर हैं या आपने विंडोज 7 या विंडोज 8 से विंडोज 10 पर अपडेट किया है, तो इस कोर्स को देखने के बाद आप विंडोज 10 के तमाम कोर फीचर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे और तमाम एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। स्टार्ट करते हैं।